वेलकम टू माई क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कन्वर्ट 85 लीटर 230 मिली लीटर इन टू मिली लीटर। ओके, तो मैंने यहाँ पर एल जो है वो क्या है, किसको शो करता है, लीटर्स को, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म एल लिखा हुआ है। इसी तरह मिली लीटर्स को ml, ml को शो करता है मिली लीटर्स, तो मैंने ml लिखा हुआ है, और यहाँ भी ml ही लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल ब्रैकेट में लीटर्स और मिली लीटर्स नहीं लिखा, जस्ट वैसे ही लिखा है कन्वर्ट 10 लीटर 700 मिली लीटर इंटू मिली लीटर। ओके, तो आपके पास अगर इस तरह है लीटर्स और मिली लीटर्स लिखे हुए, तो फिर आप भी लिख लें यहाँ पर, फिर आप एल ना लिखें लीटर लिख लें, इसी तरह यहाँ पर लीटर और मिली लीटर के लिख लें। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लीटर मिली लीटर लिख दिए। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, लिखते हैं वन एल, मतलब वन लीटर किसके इक्वल होता है 1000 मिली लीटर के। ओके, तो हम शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहे हैं यहाँ पर, लीटर की एल और मिली लीटर की एम एल। ओके, उसके बाद वन लीटर में जब 1000 मिली लीटर होते हैं, हमने क्या फाइंड करना है, 85 लीटर 230 मिली लीटर में मिली लीटर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो वन लीटर में 1000 मिली लीटर होते हैं, 85 लीटर में हमने फाइंड करने हैं कि कितने मिली लीटर होते हैं। तो जब वन लीटर में 1000 मिली लीटर होते हैं, 85 लीटर में मिली लीटर फाइंड करने के लिए हम 85 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से। 85 मल्टीप्लाई बाय 1000, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिली लीटर, और यहाँ पर ये ऑलरेडी मिली लीटर में है, तो हमने इसको ऐसे ही रहने देना है, 230 मिली लीटर लिख लेना है इसके साथ, और यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, समझ आ रही है। और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 85 वन टाइम 85 आ गया, और हमारे पास साथ में 3 जीरोस आ गए, और यहाँ पर मिली लीटर एम एल आ गया, प्लस 230 मिली लीटर आ गया, और अब हम इनको प्लस कर लेंगे। तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 2 का 2 आ गया, और 85 आ गया, 85,230 मिली लीटर आ गया हमारे पास, समझ आया। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है जस्ट के एल फोर लीटर्स और एम एल फोर मिली लीटर्स। ओके, आप इनके पास अगर नहीं है तो आप फिर ना लिखें, आप जस्ट इस तरह लिख लें मिली लीटर लीटर और मिली लीटर इस तरह, और जस्ट सिंपल सॉल्व कर लें। सॉल्व तो मैंने इधर भी शॉर्ट फॉर्म के साथ ही किया, ब्रैकेट्स में बस मैंने ये लिखा हुआ है। ओके, तो अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 85 लीटर की जगह कुछ और लीटर हो, मतलब लीटर 85 ना हो, कोई और नंबर हो, इसी तरह मिली लीटर के भी कोई और मेथड, तो यही रखना है आपने, बस जो वैल्यूज़ होंगी वो आपने यहाँ पर लिख लेनी और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।